अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिंध के इंडिकेट स्टूडेंट्स वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सिंध के गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के मेम्बरान को ये हुक्म दिया है कि वो विद इन 7 डेज हमें मुकम्मल प्रूफ के साथ ये बता दें कि आया सिंध की जो पेपर थी वो हकीकत में लीक हुई थी या नहीं। और ये हम सबको पता है कि हकीकत क्या है, हकीकत यही है कि सिंध की पेपर लीक हुई थी। तो ये सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इस स्टेज पे सिंध के स्टूडेंट्स को रुकना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी आवाज़ मज़ीद उठानी है, उन्होंने मज़ीद सोशल मीडिया पर पोस्टें करनी है, सोशल मीडिया पर रिकंडक्ट वाली हैशटैग लगानी है, ताकि जो जना वाली यूनिवर्सिटी है और सिंध गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर आ जाए और साथ PMDC पे भी प्रेशर आ जाए, ताकि वो दोबारा से सिंध का टेस्ट कंडक्ट करें। सिंध का टेस्ट रिकंडक्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द PMC 2020 एक्ट, जब PMC या PMDC टेस्ट लेगी पूरी कंट्री में तो एक टेस्ट कंडक्ट करेगी, और अगर रिकंडक्ट भी करेगी तो सारे जितने भी प्रोविंसेस है सबका टेस्ट रिकंडक्ट होगा। लेकिन अब सारे प्रोविंसेस का टेस्ट तो रिकंडक्ट करना मुश्किल है, और जनाब वाली जो यूनिवर्सिटी है वो खुद ही नहीं कर सकती, तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसको PMDC की तरफ से आर्डर आ जाए कि आप लोग टेस्ट कंडक्ट करें। जनाब अपनी तरफ से टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकती, PMDC वाले अगर उनको आर्डर करें और PMDC वाले अगेंस्ट हिज देयर ओन एक्ट जाए तो फिर पॉसिबल है कि 2023 इनडिकेट का टेस्ट दोबारा से सिंध में कंडक्ट किया जाए और सिंध के साथ साथ KBK में भी इंशाल्लाह दोबारा से टेस्ट कंडक्ट होगा।